राधे राधे, जय श्री राधे। और मेरी पूजा हो गई थी, मैंने दिखाया आपको। और अब मैं पानी पीने वाली हूँ। ये मिट्टी का गिलास है तो, और इधर ये चने भिगो रखे थे, शाम को भिगो देते हैं गर्मी के टाइम में, बच्चे खा लेते हैं सुबह। तो ये चने और बादाम मैंने भिगोए थे, और ये मैंने दही जमाई थी रात को। तो देखिए ये मिट्टी का कटोरा है, कितनी अच्छे से दही जमी है इसमें, बहुत एकदम अच्छे से, इतनी गाढ़ा दही जमा है कि आप भी देखोगे तो खाने को मन कर जाएगा। बिल्कुल इतना अच्छा, बिल्कुल पनीर के जैसा कट रहा था। मेरा भतीजा कह रहा था दीदी बिल्कुल पनीर के जैसा दही जमा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं, जब खाना खाएंगे तो फिर में तब निकालेंगे। और ये दूध को कर लिया है बाहर, क्योंकि दूध से अभी चाय वगैरह पियेंगे सब लोग, चाय वाय पियेंगे। और बस चाय नाश्ता हमारा हो गया है, तो अभी सब्जी की तैयारी होने लगी है। 11:30 टाइम हो गया है ये, तो थोड़ी भिंडी पड़ी हुई थी घर पे, ऐसे लॉकडाउन में कुछ है भी नहीं, तो बस मैंने भिंडी और 2-3 प्याज को कट कर लिया है। हरी मिर्च को भी मैंने साइड में कट कर लिया है ये। और इधर मसालदानी मसाला भी सब यही बस। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे, और उसमें मैंने ऑयल को बॉईल करने के लिए डाल दिया है। और अच्छे से एकदम मेरा बॉईल गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। कच्चे में जब लगाते तो अच्छा सा नहीं लगता है, पक जाएगा अच्छे से जब ही होगा। तो किस किस को भिंडी की सब्जी पसंद है? मेरे घर में बस मुझे और मेरे भाई को ही पसंद है। ऐसे तो सब खा लेते हैं, लेकिन जो एक पसंद वाली सब्जी है वो है, बस यही बता रही थी। ये सब्जी जो भिंडी वाली सब्जी है मेरी पसंद है, लोग खाते नहीं है, दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी मुझे। और इधर मैंने घर में भी थोड़ा सा सही कर दिया था, इधर साफ सूफ करके इसको, शाम को बच्चे खेलते हैं तो पूरा सुकुड़ देते हैं। इधर इस पर 2 सूट लिए थे रखे हुए हैं, और बच्चे जाने वाले हैं ट्यूशन, इनके ट्यूशन वाले जो सर हैं वो आ गए हैं, तो बच्चे नीचे पढ़ेंगे ट्यूशन। और देख लीजिए तेल बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, एकदम गर्म हो गया है अच्छे से। तो वह सब प्याज को डाल देते हैं, पहले प्याज को भून लेते हैं। भिंडी की सब्जी जब बनाते हैं तो थोड़े अच्छे से ही प्याज डालते हैं। और ये थोड़ा सा शाम का भी मैंने सूट कर रखा था, तो वो चावल बनाए थे नमकीन, और मौसम हो रहा था बहुत अच्छा, तो हम छत पे थोड़ी देर के लिए सब चले गए थे, मस्ती कर रहे हैं बच्चे, तो अच्छा लग रहा था। बहुत तेज हवा चल रही थी, शाम के टाइम बहुत ठंडी ठंडी हवा उधर चल रही थी, तो सब लोग अपनी अपनी छत पे आ गए थे, हम भी घूम रहे हैं छत पे। और ये नीचे मैंने दिखाया था, ये जो हमारे पीछे पड़ोस में उनकी बेटी भी दोनों छत पे आ गई थी, और वो भी ये तुलसी में जो सूख गई है थोड़ी सी, बाल्टी में लगा रखी थी मैंने, तो ऊपर रख दिया है। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये नज़ारा कैसा है खेत वेतों का, पीछे इधर ऊपर बादल भी कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी मुझे ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो, तो फिर मैंने अपना बस दुपट्टा लिया और उसको उड़ा दिया, उसको लग रही थी बहुत ठंड, तो कह रही मम्मी मुझे ठंड लग रही है, मुझे कुछ चाहिए, अब नीचे जाके फिर लाना होगा, तो इसीलिए मैंने अपना उसको उड़ा दिया है दुपट्टा, और बस घूम रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आ जाइए आप लोग भी, मौसम का मज़ा लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमना मुझे। बस इधर बातें कर रही हूँ मैं उन दोनों बेटियों से, कभी कभी इधर वो आती है, इतनी तेज हवा चल रही थी। अरे घर का जो नज़ारा है, अभी हमारी कॉलोनी में पूरा घर अच्छे से नहीं भरे हैं, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे जगह खाली भी है। यही दिखा रहे थे और बातें कर रही हूँ मैं, कौन सी हमारी पड़ोस वाली जो बेटी है, मैं तो वही कह रही हूँ केस के धोरे जो रही शादी ना बेटा, हार वो तो छवार में है के जावे छवार।
We'll be right back.